देख रहे हैं जी ई न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। आज हम मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर अंचल क्षेत्र और बरियारपुर पूर्वी पंचायत के फुलार में हम उपस्थित हैं। राजकीय प्राथमिक विद्यालय फुलार और वार्ड नंबर 9 में खड़े हैं। अब मामला क्या है उसको हम बहुत बारीकियों से समझाने जा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि देश पढ़ेगा तो जाके आगे बढ़ेगा, और इस रीति और इस नीति को उन्होंने संविधान में भी लागू किया था, और उसके लिए गरीबों के बच्चे को शिक्षा, अच्छी शिक्षा के लिए सरकारी विद्यालय का निर्माण और सारी सुविधाओं का निर्माण किया था। किंतु मामला यह है कि उसके बाद जिनके ऊपर प्रभार पड़ा, यानी पंचायती राज जनप्रतिनिधि और कार्यपालिका को तो हम नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन अभी जो विधायिका जो है, और ये भी कह सकते हैं कि कार्यपालिका की भी कुछ भूमिका है, जिम्मेदारियां है, किंतु आज के लोगों का ये सोचना है कि देश ना आगे ना पढ़ेगा ना आगे बढ़ेगा। जब आगे बढ़ेगा ही नहीं या पढ़ेगा ही नहीं तो हम बेवकूफ़ बनाकर उन पर शासन करेंगे, किंतु वो बात नहीं है। आज जिस पंचायत में हम खड़े हैं, बरियारपुर पूर्वी पंचायत के एक मुखिया चुनाव हुआ है इस बार, निहत्था गरीब संघर्षशील और कर्मठ व्यक्ति का यहाँ के लोगों ने चुनाव किया, और चुनाव किया तो भी इस स्थिति में कि चाय भी उसका नहीं पिया, और वह व्यक्ति कृष्णा सहनी है। उन्होंने अपने पंचायत के पहला तो तमाम कुव्यवस्थाओं पर अभियान चलाना शुरू कर दिया है, और निरंतरण विद्यालय पर, शिक्षा पर भी उनकी नज़र है, और सारे स्कूलों में जाकर स्वयं निरीक्षण कर रहे हैं कि गरीब के बच्चे के साथ कितनी अच्छी शिक्षा प्रणाली का व्यवस्था दिया जा रहा है या नहीं दिया रहा है, शिक्षक लोग क्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और एक उनका नैतिक कर्तव्य का भी निर्वहन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को भी उनको इस न्यूज को, खबर को देखना चाहिए कि अगर प्रत्येक पंचायत के मुखिया इस अभियान को शुरू करें तो शायद उनके पंचायत का गरीब का बच्चा जो है पढ़ लिख कर शिक्षित होगा और देश का विकास होगा। हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज जो है मुखिया जी का जो ये अभियान है ये किस लिए है, कहाँ है। यह है हमारे सामने जो है कृष्णा सहनी, इस पंचायत के मुखिया है। मुखिया जी, आपका अभियान चल रहा है सरकारी स्कूलों में, वो भी आपके पंचायत में, किस कुछ उद्देश्य से चल रहा है? कैमरा मैन थोड़ा आ जाइए। उद्देश्य यही है, हाँ, गरीब के बच्चे आवे, जरा जोर से बोलिए, आवे, हाँ, सही शिक्षा मिले, हाँ, शिक्षा ही नहीं रहेगा तो क्या उसका विकास होगा। कैसे आपके दिमाग में आया? इससे पहले भी तो लोग यहाँ मुखिया बने लेकिन स्कूल का कभी निरीक्षण नहीं किए, और आप लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। हम भी तो इसी विद्यालय से पढ़े हुए हैं। अच्छा, हम कोई कन्वेंट में नहीं पढ़ के आज मुखिया बने। अच्छा अच्छा, हम भी सरकारी स्कूल से पढ़े हुए, हाँ, तो हमको मालूम है कि सरकारी स्कूल में क्या व्यवस्था है। अच्छा, मुझे मालूम है। यानी आपकी बातों से साबित होता है कि आप सरकारी में पढ़कर मुखिया बने हैं, इसलिए उस व्यवस्था को करीबी से जानते हैं और उसके सुधार में निरंतर प्रयास में हैं। और जो कन्वेंट में पढ़कर मुखिया बना है उसको सरकारी से कोई लेना देना नहीं। क्या मतलब, गरीब का बच्चा पढ़े या नहीं पढ़े। ये विद्यालय में जो अभी आप आए हैं, आपका जो है दूसरा तीसरा दिन निरीक्षण चल रहा है लगातार अपने पंचायत का, तो यहाँ क्या पाए हैं आप, कमियाँ क्या पाए हैं? अभी तो कमी, चलिए ना देखते, चलिए आइए कैमरा मैन आ जाइए, देखते हैं मुखिया जी यहाँ पर क्या क्या जांच करते हैं, और तमाम जो है पंचायत के जितने भी विद्यालय हैं सभी का निरीक्षण लगातार ये कर रहे हैं, और ये अपने नैतिक कर्तव्य को भी निर्वहन कर रहे हैं। हालांकि पूरे पंचायत में यह कार्य को प्रारंभ रखे हैं, बारीकियों से प्रत्येक कुव्यवस्थाओं पर इनका ध्यान है, और ध्यान इसलिए है कि यहाँ के ये मुख्यमंत्री भी हैं, शिक्षिकाओं से भी बात को करेंगे। कितने लोग हैं यहाँ पर प्रभार में के? उषा सिन्हा नहीं है, दो टीचर हैं, बच्चे लोग आए हैं। मध्याह्न भोजन की क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? चावल नहीं है। चावल की कब से चावल नहीं है? चावल कब से नहीं है? एक सप्ताह से चावल नहीं है। बच्चे भूखे रहकर पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप लोगों ने रिपोर्ट किया कि नहीं किया कहीं? विभाग का जो चावल आया था उसका रिपोर्ट दे दिया, उसके बाद चावल नहीं गिरा है। चावल नहीं गिरा रहा, एक हफ्ता से बच्चे जो है बिना भोजन खाए शिक्षा पढ़ लिख रहे हैं। रिपोर्ट जो आप लोगों ने किया है वो लिखित में किया है कि मौखिक में किया है? लिखित में किया, जब चावल आया बाद जब बच्चा खाया से रिपोर्ट दे दिए। नहीं, वो तो वहाँ तक तो ठीक है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है बेटा?
कौन है बेटा? बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? बिहार का मुख्यमंत्री कौन है बेटा? बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? देख लीजिए नीतीश कुमार जी, ये भूखे रखे हैं बचवा ना, तो नहीं बता रहा है क्योंकि 7 दिन से खाना नहीं खाया है और पढ़ रहा है यहाँ पर। हालांकि शिक्षक जो है अपने नैतिक कर्तव्य को हमारे कैमरे के सामने निर्वहन कर रहे हैं। ये बच्चे खा नहीं रहे तो कैसे पढ़ेंगे 7 दिन से 8 दिन से? वो तो जवाब दे चुकी है, लेकिन गलत है कि नहीं है? गलत है ना। इसी कारण मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जब जब आप चोरों का भंडार कहीं भर के रखिएगा तो वहाँ के बच्चे भूल जाएंगे कि मुख्यमंत्री कौन है हमारे प्रदेश के, और यहाँ के भी बच्चे भूल गए हैं कि मुख्यमंत्री कौन है हमारे प्रदेश के। सूचना दे दिया है तो मौके सूचना देने से चावल आ जाता है क्या? इनको लिखित में सूचना देना चाहिए। अरे बार बार तो स्कूल में झगड़े होता है जी, जो ठीक है, लेकिन इनको लिखित सूचना देना चाहिए। देख लीजिए बिहार के मुख्यमंत्री जी, यहाँ भैंस जी है और यहाँ पर जो है सांड नहीं है, भैंस है दूध देती है, और ये जो है आपके स्कूल में बांधा हुआ है, कहाँ पर? जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। और इसका जिम्मेदार कौन? यहाँ पर देखे ये रखा हुआ है, ये सामने ये बोर्ड है स्कूल का, जब स्कूल का सामने बोर्ड है और यहाँ गाय भैंस बांधा हुआ है सरकारी भूमि पर, इन्हें दिकट्टा है, इधर आओ कैमरा मैन दिखाओ, इन्हें दिकट्टा है और यहाँ सब भैंस बनाता है, और सामने जो है ये स्कूल है, कितने अच्छे स्कूल की विकास है, ये पूरा पटाई रखा गया है और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के आंख बंद है। काहे बंद है? क्योंकि भ्रष्ट व्यवस्था में वो शामिल है, और नहीं तो ये जरूर दिखाई देता उसको, और देखने के बाद उसको समझ में आता है कि इस पर कार्रवाई होना चाहिए। चूंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था है, उन तमाम चीज़ों को हम दिखाने जा रहे हैं। ये है हम लोग स्कूल में आ गए और सामने स्कूल में आ गए हैं, कल चालू है, पानी जो है आ रहा है, बच्चों को पानी पीने के लिए जगह है, पानी पी रहा है, लेकिन ये जो है भैंस जो रखा है इसलिए वो विरोध नहीं करती है, और जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी यहाँ से दूध जाता है इसीलिए वो लोग विरोध नहीं करता है, नहीं तो ये व्यवस्था यहाँ पर नहीं